दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे 10 फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट से बारे में भी। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। 10 सन 2005 में आई एक क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अभिषेक बच्चन, जायद खान, शिल्पा शेट्टी, दिया मिर्जा, ईशा देवल, रायमा सेन, गुलशन ग्रोवर, पंकज कपूर, राजेंद्र सेठी और नीनत कमत नजर आए थे। इस फिल्म को अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया था। इसकी कहानी भी उन्होंने लिखी थी। इस फिल्म के डायलॉग्स यश विनय ने लिखे थे। इस फिल्म को नितिन मनमोहन ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म को कुल 525 स्क्रीन के साथ 8 जुलाई सन 2005 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 22 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 23 करोड़ 30 लाख कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 2 करोड़ 92 लाख कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 12 करोड़ 82 लाख कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 38 करोड़ 35 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। फिल्म एवरेज साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 5.5 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 2005 की 8वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। अगर बात करें अवार्ड्स की तो इस फिल्म को बेस्ट एक्शन का फिल्म फेयर अवार्ड और आईफा अवार्ड मिला था। साथ ही इस फिल्म को बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स का आईफा अवार्ड भी मिला था। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के म्यूजिक विशाल शेखर ने दिए थे और उसके लिरिक्स पंची जलोनवी ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 10 गाने थे और उसके कुछ गाने अच्छे हिट रहे थे, पर फिल्म के 2 गाने, पहला दीदार दे जिसे सुनिधि चौहान और कृष्णा ब्योरा ने गाया था और दूसरा 10 बहाने जिसे के और शान ने गाया था, ये 2 गाने सबसे ज्यादा पॉपुलर रहे थे। तो चलिए इस फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट से बारे में जानते हैं। नंबर 1, जब ये फिल्म लॉन्च हुई थी तब इसका टाइटल हम रखा गया था, लेकिन बाद में कुछ कारण से इसे बदल कर 10 कर दिया गया था। नंबर 2, इस फिल्म के एक गाने में बैकग्राउंड डांसर रही जानवी कपूर ने ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी के समय खुद को अभिषेक बच्चन की पत्नी बताया था। वो ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी रुकवाना चाहती थी। जानवी ने ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी वाले दिन ही अभिषेक के घर के बाहर अपनी कलाई भी काट दी थी। नंबर 3, इस फिल्म को मुकुल आनंद को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया था। मुकुल आनंद सन 1997 में सलमान खान और संजय दत्त को लेकर 10 टाइटल से एक फिल्म बना रहे थे, लेकिन फिल्म की शूटिंग पूरी खत्म होने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। नंबर 4, इस फिल्म का 10 बहाने गाने का रीमेक सन 2020 में आई फिल्म बागी 3 में किया गया था। नंबर 5, ये फिल्म संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अभिषेक बच्चन और ईशा देवल की साथ में दूसरी फिल्म थी। इससे पहले चारों साथ में एलओसी कारगिल फिल्म में भी नजर आए थे जो सन 2003 में रिलीज हुई थी। नंबर 6, ये फिल्म संजय दत्त और जायद खान के साथ में दूसरी फिल्म थी। इससे पहले दोनों की उसी साल ही शब्द फिल्म भी रिलीज हुई थी। 10 फिल्म के बाद उसी साल ही दोनों की एक और फिल्म शादी नंबर 1 भी रिलीज हुई थी। नंबर 7, ये फिल्म जायद खान और सुनील शेट्टी के साथ में दूसरी फिल्म थी। इससे पहले दोनों मैं हूं ना फिल्म में नजर आए थे जो सन 2004 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।